परासिया जनपद से आवास योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां सरपंच ने हितग्राहियों की आवास योजना की किस्त अपने खाते में डलवा ली। और जब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो सरपंच समेत पंचायत सचिव ने भी इस मामले से पल्ला झाड़ लिया। वहीं हितग्राहियों की शिकायत के बाद जांच कमेटी का गठन किया गया है। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े की बात तो अब आम ही हो गई है। वहीं सभी देशवासियों के सिर पर छत हो, इस मंशा के साथ भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। लेकिन इस योजना में लगातार फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत जमुनिया पठार का है, जहां जंगल सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन दिया था, जिसका वर्ष 2021-22 की सूची में नाम आया था। मंगल सिंह के खाते में पहले किस्त 25,000 रुपए की राशि डाली गई थी, जिससे मंगल सिंह ने मकान की नींव भरी। इसके बाद जियोटेक के माध्यम से दूसरी व तीसरी 45,000 की राशि किस्त सरपंच के खाते में फर्जी तरीके से डाल दी गई। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पंचायत सचिव से इस बारे में बात की गई तो सचिव ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं अभी ट्रांसफर होकर आया हूँ, मेरे कार्यकाल के समय में यह सब नहीं हुआ है। जिसके बाद मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई और CEO रविकांत उइके ने टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए हैं। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है परासिया जनपद पे, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप तो ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें त्रुटि या जानबूझकर की गई त्रुटि जरूर प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो रही है, जिसमें अकाउंट किसी और व्यक्ति का फीड किया गया और उसके पश्चात में जियो टैग भी कर दिया गया, जिसके आधार पर उनको किस्तें रिलीज हो गई, जबकि हितग्राही द्वारा आवास उस स्तर पर बनाया ही नहीं गया था। क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि त्रुटि जानबूझ कर की गई है, इसलिए संपूर्ण ग्राम पंचायत की और इस प्रकरण विशेष की एक विस्तृत जांच करने की आवश्यकता को देखते हुए जनपद स्तरीय दल के माध्यम से एक विस्तृत जांच करवाई जा रही है और शीघ्र ही इसके परिणाम भी परिलक्षित होंगे और इसमें जो भी जियो टैग करने वाले कर्मचारी हैं अथवा त्रुटिपूर्ण तरीके से फॉर्म डालने वाले कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध में प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई दोनों ही संभालेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।